तो हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज बस काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम मतलब साल भर, तो वैसे मतलब साल भर नहीं हुआ है, 8 से 9 महीने कुछ होने आ चुके हैं मेरी गाड़ी को। तो अभी तक मैंने क्या सिर्फ इसको मतलब बाहर कहीं नहीं धुलवाया, आज तक मैंने इसको बाहर ज़्यादा कहीं नहीं धुलवाया। एक बार खाली जो सेकंड सर्विस हो रही थी, तो सर्विस के टाइम पर इन्होंने गाड़ी धो के दी थी, वो वाली उस टाइम पर उस गाड़ी को धो के दिया था बस। इसके बाद से मैंने गाड़ी को कहीं बाहर कहीं से नहीं धुलवाया, आज तक नहीं धुलवाया। तो मैं मेरे हाथों से ही डेली धोता हूँ, मतलब प्यार है ना यार, अपने हाथों से धोना में मतलब खुशी मिलती है वो चीज़ की। पर आज गाड़ी थोड़ी ज़्यादा ही गंदी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, रात को बारिश भी हो गई उदयपुर में, इतने सारे कीचड़ मिट्टी विट्टी लग गई बहुत ज़्यादा, और नीचे वो ऑयल का भी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। इसलिए मैं आज सीधा जाके गाड़ी को अच्छे से वॉश करवाने वाला हूँ प्रेशर से। ठीक है, तो फटाफट से जाते हैं गाड़ी को वॉश करवाते हैं। तो गाइस ये देखो गाड़ी यार क्या ही गंदी हो रखी है, ये देखो ये हालत देखो। मेन तो मेरे को ये टायर वायर का नहीं, ये देखो ये सारा चीज़ अच्छे से धुलवाना, अच्छे से साफ करवाना, तो ये करवाते हैं, चलते हैं गाड़ी धुलवाने की तरफ। ओ गाइस यार ये देखो गाड़ी धुलवा के लेके आ चुका हूँ मैं। अब मेरा धोने का बाहर धुलवाने की इच्छा नहीं थी, पर फिर भी मतलब धुलवा दी मैंने, क्योंकि गंदी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। अब गाइस यार मेन बाहर धुलवाने से दिक्कत क्या हुई बताऊँ? ये देखो उस प्रेशर की वजह से, यहाँ देखो 160 का पीच का लास्ट 0 का ऐसी तैसी हो गई, फट गया है। उतना तेज प्रेशर था कि ये बेचारा झेल ही नहीं पाया और फट गया बिल्कुल ही, ऊपर से स्टिकर ही निकल गया। इसी चक्कर में इसलिए मैं बाहर नहीं धुलवाता, क्योंकि गाड़ी का डैमेज होता है, इससे भी होता है, पानी का ज़्यादा प्रेशर पड़ने से भी डैमेज हो जाता है। देखो यार बाहर धुलवाने से फिर मेरे इसके ऊपर से जो स्टिकर लगे हुए थे जब मेरी जेब में पड़े हैं स्टिकर, ये भी बाहर निकल गए पानी के प्रेशर से, पूरा ये बाहर आ गया, इसकी किले दिखने लग गई अब तो। तो गाइस देखा बाहर धुलवाने के नतीजे, मतलब कहीं कहीं के थोड़ा बहुत भी नुकसान में आया मैं, कि ऊपर की वो सारी स्टिकर था वो बिल्कुल ख़राब हो गया, मतलब साइड से पड़ गया, 0 का तो आधा ही रह गया, मैं इसको हटा देने वाला हूँ। मेरे को इससे ज़्यादा दुख इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस पर मैं रैपिंग करवाने वाला हूँ, पूरा अच्छे से रैपिंग करवाने वाला हूँ, मतलब वो जो स्टिकर्स आते हैं वो मैं करवाना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं मतलब नया कुछ करवाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा था कि जिस दिन मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उस टाइम पे मैं इस पर अच्छा सा कुछ करवाने वाला हूँ, जो सरप्राइज गिफ्ट मैंने बताया था तो वो इस पर करने वाला हूँ। मतलब आदित्य भैया ने कहा था थोड़ा बहुत तो कोई हिंट देते, पर हिंट दे रहा हूँ मैं कि मैं इस पर पूरी रैपिंग करवाने वाला हूँ, अच्छा सा मस्त वाला लुक देने वाला हूँ इसको मैं। पर कैसे करूँगा क्या करूँगा वो सब बाद में ही बताऊँगा होने के बाद में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, चलो होता रहता है, चलेगा वो तो। और ऊपर से तो वो जो मैंने स्टिकर लगाए थे वो भी हट गए इसके मरकट के एनवाइजर के ऊपर से, तो वो भी चलो ठीक है, कुछ नहीं कह सकते अब तो, हटने के बाद तो कुछ नहीं कह सकते। ये देखो ये जेब में पड़े हुए हैं, हो सकता है मैं इनको वापस भी लगा दूँ या तो रहने दूंगा, कुछ ना कुछ नया करेंगे इसमें अब तो, होगा वही नहीं चलने देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाहर धुलवाओ तो ध्यान से धुलवाना, अच्छा सा प्रेशर लगवाना धीरे धीरे तो सही रहेगा, बाकी तो इतनी सी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।